दूंगा। चलिए स्टार्ट कर दी। तो कल जितना पढ़ा था उसके आगे का देखेंगे कि आज इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो पहले मैं जितना पढ़ाऊँ तो वो आपको वो शांतिपूर्वक सुनना है, उसके बाद में लिखना शुरू करना। तो जैसे कि अपन वर्त पर जो स्पर्श रेखा है उसके बारे में पढ़ते हैं, वर्त पर स्पर्श रेखा, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपके कोई एक सर्कल होता है, जैसे अपन ने ये एक सर्कल लिया, ये सर्कल मान लो ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये सर्कल की क्या हो गई, रेडियस हो गई। सर्कल में किसी भी एक बिंदु पर, कोई भी एक बिंदु लो और उस पर एक लाइन खींचो जो उसे केवल और केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। मतलब सर्कल पर क्या खींची जाती है, कोई भी यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, सर्कल को केवल और केवल मात्र एक ही बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। और ये जो रेखा है स्पर्श कर रही है तो ये रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को बोला जाता है टेंजेंट लाइन। तो ये हो गई आपकी टेंजेंट लाइन, और ये जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु, मतलब टेंजेंट पॉइंट, इसको बोला जाता है टेंजेंट पॉइंट। अब देखिए इसके आगे का और अपन देखते हैं। जैसे ये एक अपना एक पॉइंट हो गया, नेक्स्ट अगला पॉइंट यदि अपन देखें तो उसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे मान लो कोई भी टेंजेंट लाइन है, अपन कहीं पर भी खींचते हैं तो टेंजेंट लाइन वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वर्त पर खींची गई मान लो कोई भी यदि अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली या फिर जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या, इस त्रिज्या पर ये क्या होती है, लंब होती है, लंबवत होती है हमेशा ही। तो ये जो त्रिज्या है वो त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा है वो हमेशा ही क्या होगी, लंब होगी। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, सीधी सीधी बात है ये। आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट की कड़ी में और भी कोई चीज़ देखते हैं। तो त्रिभुज के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, त्रिभुज के बाहर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज पर वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये ध्यान रखना। ये एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये दो क्या होगी, स्पर्श रेखाएं, एक पॉइंट पी पर ए पर और ये बी पर, और सी यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर हो गया। समझ में आई बात, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वर्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वर्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, अभिलंब होती है, ठीक है ना। इसके अलावा और अपन यदि बात करें, कोई पूछ ले कि आपसे कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वर्त पर इसके चारों ओर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, ये इसका सी सेंटर, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये मामला, ठीक है। तो लेकिन हरू करो चैपो लगाओ वर्त पर स्पर्श रेखा, और सबसे पहले ये बनाना है, सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद रुक जाना ना। सबसे पहले ये बना लिया नॉर्मल, ठीक है, वर्ड पर स्पर्श। अब नीचे एक पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के लिखो वर्ड पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्ड पर कितनी स्पर्श रेखा खान सका पा, अनंत, वर्ड पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट
अगला, और ये चित्र भी बना लेना सी ऐसे करके रन 29 पर सेकेंड, चारों ओर खींच देंगे। हो गया, नेक्स्ट वो चित्र बना लो, उधर वाला सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। पहले ये बनाओ, चित्र बनाओ, उसके बाद फोर्थ में कुछ नहीं लिखना, अभी फोर्थ के लिए अलग से समझाऊंगा। वहां पर वो जो चित्र है वो बनाओ और लिखो, वर्थ पर खींची गई स्पर्श रेखा, वर्थ पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये हो गई वर्थ पर खींची गई स्पर्श रेखा। और यहां पर ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। अपन इसकी कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वर्थ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लिखो तथा केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तथा केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती है, तथा केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। अब अपन तीन पॉइंट लिखेंगे, वो तीन पॉइंट पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लिखना है ना, ये चौथे वाला काम आ जाएगा। अब देखो अपन तीन पॉइंट समझते हैं एक साथ, पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो एंड पॉइंट नंबर तीन। मान लो जी हाँ, ओ वर्थ है, ओ खाई है वर्थ, ओ भी एक खाई है वर्थ, ओ भी कहीं एक वर्थ, ठीक है। वर्थ के बाहर यदि कोई बिंदु स्थित है तो हम इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो, दो स्पर्श रेखाएं खींचती है, एक यहाँ पे एक और एक यहाँ पे हो गई बी। अब खास बात क्या क्या चीज है वो मैं पहले, ये पहले एक चीज बता देता हूँ तीनों को, फिर एक और बताऊँ इसके बारे में कि वर्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्थ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और वर्थ पर यदि ये बिंदु यहां ना होकर खुद वर्थ के ऊपर है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक। तो इधर तो हो जाएगा स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाओं की संख्या हो गई दो, इधर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, एक। नंबर एक कंडीशन, यदि बिंदु है वो वर्थ के बाहर स्थित है तो उसे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, यदि बिंदु है वो वर्थ के ऊपर स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और यदि यदि जो बिंदु P है वो वर्थ के अंदर स्थित है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य, शून्य हो जाएगी। और वो रेखा, अब आप बोलोगे सर यहाँ खींच दें, तो खींच दें स्पर्श रेखा कौन है, बस बात छेदक रेखा हो जाकर, ठीक है। तो अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि वर्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्थ पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो लंबाई में इक्वल होती है। मतलब पी ए बराबर क्या है, पी बी, यहाँ पी ए बराबर पी बी, अर्थात आप किसी भी पॉइंट से वर्थ के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से, चाहे वो कहीं पर भी हो, आप बोलोगे कि सर मान लो एकदम यट हो जाए जना, तो फिर बाद में यहाँ निकल जाए, समझ में आई बात। तो वर्थ के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वर्थ पर यदि आप स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो नंबर एक चीज वो दो होगी, और वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। लिखो पॉइंट नंबर एक लगाओ, वर्थ के बाहर स्थित, वर्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्थ पर क्या लिखा, वर्थ के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्थ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है,
दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है तथा ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होगी। फिर सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जैसे जैसे बना लेना। तथा ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। लिख लिया पॉइंट नंबर एक बना लो। अगला पॉइंट लिखो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वो वर्त पर अनंत खींची जा सकती है, लेकिन वर्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर केवल एक खींची जा सकती है, क्योंकि वर्त पर बिंदु भी तो अनंत होते हैं। लिखो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर ये बीच वाला बना देना, दो नंबर पॉइंट। लिख दिया, चित्र बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर तीन, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, क्या होती है, कितनी होती है? शून्य। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब जैसे एक चापकार, वो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, चलो इसमें क्लियर कर दूँ मैं पूरा, एक चित्र बना के पूरा क्लियर कर दूँ। वैसे बताया हुआ है आपको, फिर भी जो नए हैं इनको भी अच्छे से आएगा। देखो, सीधी सीधी बात है, ये इसका क्या है, केंद्र है। इसको क्या बोला जाता है, सेंटर, केंद्र है। ये इसकी क्या है, आर है। ये इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस, रेडियस हो गई सीधी बात। इसके अलावा और क्या बताया हुआ मेरा, कि d बराबर 2 × r होता है, मतलब व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना। मतलब व्यास का, d का डायामीटर बताया हुआ है आपको, और ये r कोर क्या होती है, रेडियस। अब इसमें मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, जैसे वर्त पर स्थित कोई दो बिंदु है, एक अभी देखना एक नई डेफिनेशन निकल के आएगी। इसके अलावा और क्या बताया, पहले वो लिख दो। जैसे अपन इसी बिंदु से स्टार्ट हुए और घूमकर वापस इसी बिंदु पर आ गए, और अपन ने जितनी दूरी तय की चारों ओर की, मतलब वर्त का परिमाप, वर्त के चारों ओर का माप क्या कहलाता है, परिधि। और ये भी अपन ने, सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है, ये भी आपको बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, ये ए है और ये बी है, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है, अब इसमें दो चीज आती है। यदि सीधा सीधा बोले, उसमें आप न्यूनतम दूरी कर लेना, ना उसमें एक न्यूनतम लाइन और लिख देना। वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे दो बिंदुओं को तो ये भी मिला रहा है ना, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये दूरी है, ये तो कहलाती है चाप। क्या कहलाती है,
चाप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं, और वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी कमोकम। अब देखो ए और बी के बीच में इम कम दूरी नहीं हो सके, ओ जाओ जाओ थोड़ो टेढ़ो है ना यार, ज्यादा दूरी है, वो मैं यहाँ बढ़ा दियो। अब अट्टू अट जाओ जाना सीधी जाओ जाना, कम न्यूनतम दूरी है, हाँ न्यूनतम दूरी है, जकित कहाँ है था कि जीवा है, और जकित है ए बी ते परिधि ऊपर ऊपर जाओ ना वो था को कहा है, समझ में आएगी बात। सर ओ है चाप, इनके आर्क, आ है जीवा, इनकी आकर कॉर्ड, कहीं क्या है कॉर्ड। सर चाप के बारे में कहीं क्या हो कि वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कहलाएगी चाप, और इन मध्य की दूरी में सिर्फ न्यूनतम शब्द जोड़ दे हो कि वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, चरण वो कहा जी आ जीवा हो जी, ठीक। तो वो जीवा और चाप को माइनर डिफरेंस है परिभाषा लिखा दें, कोई दिक्कत को नहीं, और थान बाप बताए बेटा ये नॉर्मल नॉर्मल चीज है, जहाँ जीव आए तो कि वर्त ने दो भागा में बांट दियो, वो दीर्घ वर्त खंड हुई को और वो लघु वर्त खंड हुई को, यदि यहाँ कर यहाँ बना दियो वो त्रिज्य खंड हुई को, ठीक है, वो सेगमेंट है, वो सेक्टर है, वो छोटो है जो लघु त्रिज्य खंड है, बड़ो है जो दीर्घ त्रिज्य खंड। चलो एक ही नॉर्मल चीज आई थे, एक बार वो चित्र बनाओ यार, ये मैं सभी चीज़ें दर्शाओ, पर चाप पर जीवा के अपन डेफिनेशन लिखा था कि हर दमियान ध्यान हगड़े ही करा, ये कहीं करा, लाडला कौन करी, बाकी मंडा है हम किता हुई आएगा तो अभी पता ही नहीं, अभी आपको साइक्लिक वो होता है सर्कल वो नहीं बताया, चक्रीय का इसमें ज़रूरत पड़ेगा, अभी मैंने एंगल का नहीं बताया है, बाहर एक बिंदु रखे दोनों बराबर करके उसमें 180 संपूरक होते हैं वो नहीं बताया, कमोड़े ये कौन कौन मिली मंचूरियन लिख लियो, रेगुलर आओ, डेमो लेने आया थे हैं, ख्याल मन नहीं करो यार, सोचो मतलब पहली का एवडा लाइब्रेरी में कॉपीट है, कोई बात बढ़िया तरीकों समझ में आया था, ठीक है किसम, अच्छा आप हम दिन आ रहे थे कहा चलो लगाओ चाप, हेडिंग लगाओ, चाप लगाओ, चाप लगाओ, फटाफट करो लिखो, परिधि पर स्थित, हाँ परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी चाप कहलाती है, क्या कहलाती है, चाप कहलाती है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी चाप कहलाती है। नीचे लगाओ जीवा, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। अब लगाओ जीवा, जीवा अगला लिखो, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, उदय वैसे मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, बीच में नहीं पता तो बता देना ना,
कर लोगे ना? हाँ, परिधि परिस्थिति के दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? चलो ये तो लिख लिया, अब सारा गुण रुको आगे देखो भाई। अगला पॉइंट है सकेंद्रीय वर्क, किशो वर्त सकेंद्रीय वर्त, इन इंग्लिश में बोल जा रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे वर्त जिनके केंद्र क्या हो, एक ही हो। जी हाँ देखो भाई, एक में वो सर्कल बनाई हो, एक इर बारे और सर्कल बनाई हो, वो काई वो सेंटर है सी, इरी त्रिज्या काई है आर वन और इरी त्रिज्या काई होगी, इन्हें दे दियो सर्कल नाम, वो सर्कल ए है, इन सर्कल ने नाम दे दियो सर्कल बी, तो सर्कल ए और सर्कल बी है वो सकेंद्रीय वर्त है। कोसेंट्रिक सर्कल है दोनों के दोनों, क्यों? क्योंकि इनका केंद्र है वो कितना है, एक ही। अब ऐसा हो सकता है कि इसके बाहर एक और आ जाए, फिर और आ जाए, फिर और आ जाए, लेकिन केंद्र एक ही रहना चाहिए। तो अब अपन यहां नीचे बोल सकते हैं ए वे बी सकेंद्रीय वर्त है, अर्थात कोसेंट्रिक सर्कल हो गया। अब आगे देखिए, अब यदि कोसेंट्रिक सर्कल है तो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ऐसे और इसके अंदर एक और सर्कल बनाता हूं, अब जो मैं अंदर वाले सर्कल के लिए स्पर्श रेखा खींच रहा हूं वो बाहर वाले सर्कल के लिए क्या है, जीव है कि नहीं? जैसे आ ए बी का ही है, सी टू वास्ते तो है जीवा, जहां समझ लो इन दे दियो नाम सर्कल सी टू और इन नाम दे दियो सी वन, वो सेंटर है सी, वो सी केंद्र है, वो इन पर लिख दियो केंद्र यू आ जकिया त्रिज्या रे आठ काई रही समकोण, समकोण रे। अब जकी मेन बात है कि अब यान आ यान थी यान थी आठ समकोण है आधान बता दी। अब सी वन के लिए ए बी लिख दिया, C1 के लिए ए बी स्पर्श रेखा, एक खातर तो स्पर्श रेखा है, अट पॉइंट P दे दियो, वो P का ही है स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट, ये टेंजेंट लाइन, और C2 के लिए ए बी वो जीवा है, मतलब कॉर्ड है। अब देखो मेन बात आ है कि जकी आ ए बी जीवा है, जगह पॉइंट पी पर स्पर्श करे, वो पॉइंट पी है ना जो कोई जीवा ने लंब सम द्विभाजित करे, आ मेन बात है। मतलब दो सकेंद्रीय वर्तों में अंदर दो सकेंद्रीय वर्तों में बाहर वाले सर्कल की जीवा को अंदर वाले सर्कल का स्पर्श बिंदु लंब सम द्विभाजित करता है, मतलब ऊपर से जो लंब डाला जाता है वो इसको क्या कर देता है, लंब सम द्विभाजित करता है। सीधी सी बात, मतलब एक तो लंबवत है जो है ये एपी और ये पीबी क्या है, बराबर, समझ आई बात? ये इसका मेन कंसेप्ट है। पहले थे आप एक ये लगाओ हेडिंग, फिर मैं बोलूं वो लिखो। सकेंद्रीय वर्त, ऐसे वर्त ऐसे वर्त, कैसे वर्त बबीता, ऐसे वर्त जिनके केंद्र समान हो, अर्थात एक ही हो, जिनके केंद्र समान हो अर्थात एक ही हो, वह सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं, वह सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं, वैसे केंद्रीय वर्त कहलाते हैं। अब वो चित्र बनाए जो बुबन बनाए डो एकदम फूटर बनाई जो,
दिनेश सिक्का दे एग्जाम था रेलवे वैकेंसी के से कदी की आन की संभावना को नहीं है दूर दूर तक हाँ फिर बाद में यही बनाना है, पहले वो लिख लो उसके बाद ये लिख दे। देखो कोचिंग में फुल फैसिलिटी, म्यूजिक सिस्टम, ईयरफोन गालने की जरूरत है। एक बन बन ब्याह नहीं बड़ी जाना, धीमा धीमा शुरू कर दीजिए दिनेश जी। ये बजे नहीं नहीं पहले रुको रुको, बर्थडे का तो मैं तुम विश कौन करियो, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आग लो आ जाना, थैंक दे दिनेश दे पार्टी दे अपन सौदा पता दे। अब अभी तो ये में दिमाग मत लगे जाता कि हाथ बनाना आगे लिखो, ये लिख लिया तो अभी तो दिमाग लगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था अभी आती है हाँ लिख के हो तो लड़ देख लो पहले, कांच लगो आगे। हाँ गाड़ी आ जाए एक कर बे नागौर में अपन का किसा टीचर है कोई मैथ्स का है तो बे पढ़ा बंद दोनों साइड दो कांच लगे बड़ा अट पढ़ा देखा के आगे लगी बड़ा है बट है कोई बार है तो बे के दोनों साइड यान कांच लगे बड़ा है तो कोई लार बात करे तो दिखे हैं लिखो कौन सा टाइम अभी लिखने दो पूरा लिखो, इसके बारे में लिखना तो है बच्चे, ये रामायण गुण लिखी नीचे लिखो लिखो दो नहीं जैसे इसके किसके बताना वापस, इसके बारे में पहले लिख लिया है इसके अब लिखा लिखो लिखो, यदि दो सकेंद्रीय वर्त है, यदि दो सकेंद्रीय वर्त है तथा बाहर वाले वर्त की जीवा, तथा बाहर वाले वर्त की जीवा अंदर वाले वर्त की स्पर्श रेखा है, बाहर वाले वर्त की जीवा अंदर वाले वर्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु पर, तो स्पर्श बिंदु पर जीवा समद्विभाजित होती है, तो स्पर्श बिंदु पर जीवा समद्विभाजित होती है। रुको एक और करवा दूंगा छोटा सा, पांच मिनट है समय को सदुपयोग करना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अभी जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये लिख लो देखो, जैसे ये सर्कल है, ये क्या है दिनेश जी,
सर्कल है। इसके बाहर स्थित किसी पॉइंट से आपने जैसे यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, ये ए, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची, वो क्या है दिनेश जी? बी। और अब आगे दिनेश जी ने पूछा, अठवे दो रेखा बना दी, बढ़ा दी, ठीक है। अब चूंकि आ रेखा कहीं है बराबर, ये में तो कोई दिक्कत को नहीं, बराबर है पहली बताई था। अब मैं थाने बताइयो कि देखो स्पर्श आज की त्रिज्या स्पर्श रेखा आ हमेशा एक दूसरा का ही है, होगी लंबवत, ये मैं की टेंशन वाली बात कौन पश्चिम देखियो भुजाएं कितनी है, चार के एक दो तीन चार, चलो काय मणगो चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 360। आ चीज तो 100% कन्फर्म है कि 90 180 थे होगा, एंगी टेंशन लैंड केड़ी कौन। अब अपन ई चीज की खुशी है कि ई कोण को और ई कोण को योग की तो हुई 180 हुई, और कई क्वेश्चन ने सोल्व करने में आ चीज अपन की हेल्प करी। इन यदि कोण एक्स देवा, इन यदि कोण वाई देवा, तो अपन सीधो लिख सका कि कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री, और दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। समझ में आई बात? ये चीज है, तो ये अपने बहुत काम आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो सीधा ही लिख लो एज टी साहब, चक्रिय आमने सामने कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक सर्कल, और साइक्लिक सर्कल वो सर्कल होता है जिसके अंदर जो जो चतुर्भुज बनता है उसके शीर्ष कहाँ पर स्थित होते हैं? सर्कल पर। जिस देखो खूब है आज के लिए, सेटिस्फाइड हो आप सभी लोग, समझ में आया बढ़िया तरीके से? पहले पढ़ावा था ना आपका, ये कोचिंग कर रखी है आपने? अच्छा किसकी की? सीजीएल की है ना, तो आपको सारा कुछ पढ़ा हुआ अच्छे से, कोई बहुत बढ़िया। रोको इसको डिंपल, रोको, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल। अब सुन